वहीं मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत को मिली जमानत। जी हां, स्पेशल एमपीएलए कोर्ट ने यह जमानत दी है। एफएसआई घोटाले मामले में यह जमानत दे दी गई है। 102 दिन के बाद जेल से बाहर आए हैं संजय राउत। केस के दूसरे आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत मिल गई है। ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच चल रही थी और अब संजय राउत को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि संजय राउत और शिवसेना लगातार इस बीजेपी की साजिश करार देते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में गए थे, जमानत पर बाहर आ गए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत को आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने यहां पत्राचल एफएसआई घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संतोष मौर्य। संतोष, क्या कुछ दलीलें संजय राउत की तरफ से दी गई जिसके बाद कोर्ट ने आखिरकार उन्हें जमानत दे दी? जिस प्रकार से संजय राउत को ये साल के अगस्त महीने में अटक उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जब से ये पूरा प्रकरण नया प्रविष्ट था, 102 दिन बाद आज कोर्ट ने संजय राउत को जामीन बेल मंजूर किया है। लेकिन जिस प्रकार पे इस पे जो युक्तिवाद था, जो आर्गुमेंट था, वो पिछले जो डेट थी उसी डेट को पूरा हो गया था। खाली कोर्ट ने 8 दिन का समय लिया था अपना निर्णय देने के लिए। वो ऑर्डर आज कोर्ट ने दिया है, लेकिन जिस प्रकार का संजय राउत का जो शिवसेना में जो स्थान है और जिस प्रकार के महाराष्ट्र की राजकारण में और शिवसेना का एक बुलंद नेता कहेंगे, उनकी जो पहचान है, उनकी जो छवि है, वो पूरे इस निकाल के बीच जो निर्णय आया है उसके वजह से शिवसेना को और भी एक मजबूती के सामने आप पेश हुए होंगी, क्योंकि शिवसेना का जो आवाज और जो शिवसेना की जो शैली है वो संजय राउत भी निभाते हैं। बाला साहेब ठाकरे के बाद जो सामना की जो संपादकीय जो लिखते थे और महाराष्ट्र की राजकारण राजनीति में उसी तरह से देश की राजनीति में भी संजय राउत बड़े पैमाने में सक्रिय दिखाई देते रहते हैं और शिवसेना की जो उनका जो पक्ष है वो पूरे देश में मजबूती के साथ पेश करा करते हैं। लेकिन ये जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, इसमें एक मुंबई में एक गोरेगांव में एक बड़ी इमारत जो बनने वाली थी उसमें घोटाला जो सामने आया था उसमें संजय राउत का नाम आया था और वो नाम आया था उनके एक मित्र है जिनको भी आज जो बेल मिली है उसमें प्रवीण राउत के माध्यम से। लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अभी थोड़ी देर पहले जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको स्थगिति देने के लिए फिर धीरे मुंबई के हाईकोर्ट में अपील करने वाली है और अगर उसमें अपील करने के बाद अगर उनको वहां स्टे मिलता है तो संजय राउत को और कुछ दिन कारागृह में रह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट दिया न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो कोर्ट है उसके ऑर्डर को, तो फिर से संजय राउत की मुसीबतें है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन ईडी के जो अफसर है, उनके जो अधिकारी है, वकील है, वो पूरी तरह से हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं और अभी उनकी जो प्रोसेस है वो ऑर्डर के खिलाफ जो ऑर्डर डाल है उसके सामने जाने के लिए वो सभी तैयारी शुरू है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में संजय राउत के जो उनको बेल मिला है उसकी वजह से पूरा शिवसेना में एक वातावरण फिर चैतन्यमय वातावरण निर्माण हुआ है। ठीक है, हमेशा से विभाग और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और रहते भी हैं संजय राउत, ऐसे में जेल से जब वो बाहर निकले मीडिया के सामने कोई उन्होंने बयान या किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं, अभी अभी फिलहाल में संजय राउत पुलिस कस्टडी में जेसी में है, इसलिए वो अभी पूरी तरह जो रहता है मीडिया के सामने वो बात नहीं कर रहे। लेकिन जो बात उन्होंने जो कोर्ट रूम के बाहर कही है, उन्होंने कहा है कि मुझे पहले से भरोसा था कि मेरे को बेल मिलेंगी और वो आज मुझे मिल गई है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी शैली रही है, लोगों के जो विरोधी पक्ष है उनके ऊपर जो उनका बयान के बारे में वो जो बोलते हैं, जो टिप्पणी नहीं करते थे, उसके वजह से सदैव परिचित रहे हैं और आने वाले मुंबई महानगर पालिका के पहले संजय राउत को बेल मिलने के वजह से शिवसेना में एक अलग वातावरण देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए संतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से हमारे सहयोगी संतोष ने जो जानकारी दी है
कि उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसके बाद अब उन्हें बेल मिल गई है और जाहिर है कि शिवसेना के एक बड़े नेता और महाराष्ट्र राजनीति की एक अपनी पहचान रखते हैं संजय राउत, और ऐसे में बाहर आने